रामदेव जी का मंदिर है, ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और 1961 शनिवार मतलब ইয়াতে চুইটকি চুইটকি ঘপককে লগ পাই গল আর বেটিয়ে পাই গল অঙ্কিতাক লগ পাই গল ছা আ সুকি ছা সুকি ছা তুমি উল্টি খাই পড়ি গলা নি হ্যাঁ চুটকি আছে চুটকি মূর্খ যায় আছে আর এইফেলে এইফেলে হাই করিয়া সেইজনী মাক আর মাকর লগর সেইজনী হাই করিয়া অকণ এইফেলে হাই করিয়া এরে সকুরে নেগেছে ছা আর মুখ নেদেখাব কছে নেদেখাব আর এইফেলে দেখাইছো হাই এইয়া মাকে দেখাবলে মনা কৈছে এইয়া দেখিছে যে হাই ফ্রেন্ডস দীঘ ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মই আজি আহিলোঁ বাবা ৰামদেৱ মন্দিৰত। তো বাবা ৰামদেৱ মন্দিৰ কি হয়, বাবা ৰামদেৱ কাক কয়, কোন আছিলে তেখেত, সকলোবিলাক আপোনালোকক বুজাই পেলাই ক'ম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, নিশ্চয় ভাল পাব। মই আপোনালোকক একদম মুখৰ পৰা দেখাইছোঁ, এইটো দেখিছে আপোনালোকে যোৰহাটৰ পৰা যেতিয়া আহে নহয় হাতীগড় পালে মানে হাতীগড়ৰ যিটো ফ্লাইঅভাৰৰ কাৰণে মানে এটা পুলত বনাই আছে দেখিছে নহয়, ফ্লাইঅভাৰ লেখিয়াকৈ পুল বনাই আছে, তাৰ বাৰ পৰা বাওঁফালে আপুনি সোমাই আপোনালোক সোমাই আহিব। বেছিকৈ নহয়, খুব বেছি 200 মিটাৰমান সোমাই আহিলে এই মন্দিৰটো পাব। আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বোলো, দেখাই আছোঁ ভিতৰত। মানুহ চাওক কিমান মানুহ, গৰমত এই মন্দিৰ ভাগত আহি খুব মানুহে ভাল পায়, সেইকাৰণে মানুহ বহুত আহিছে। ইয়াৰে যোনজন পণ্ডিত নাম পণ্ডিত ৰঘুবীৰ কৌশিক, পণ্ডিত ৰঘুবীৰ কৌশিক উনছে থোড়া সা ইস রামদেব যাব বাবা রামদেব মন্দির কা থোড়া সা জানকারি লেনে চাতে হে। তো থোড়া সা আমার এই চ্যানেল মে আপ দর্শক কো বটা দিজিয়ে থোড়া সা। বাবা রামদেব জি কা মন্দির হে, ইয়ে ভগবান বিষ্ণু কে অবতার মানে জাতে হে। আর 1961 शनिवार मतलब 1961 में इनका प्राकट्य हुआ था राजस्थान के अंदर पोखरण के स्थान पे राजस्थान में। और ये जो मतलब रामदेव बाबा है, इनको शनिवार के दिन और मतलब जन्म हुआ था इनका, और नौमी और जो शुक्ल पक्ष की दूज तिथि है द्वितीया, उनके दिन विशेष तौर पर इनकी पूजा होती है। और ये राजस्थान में बहुत प्रकार के इन्होंने परिचय दिए हैं, जैसे कि कपड़े का घोड़ा इन्होंने उड़ाया है, और अपनी जो मतलब कि अंगुल बहन थे उनके बच्चा नहीं था तो उनको बच्चा भी दिया इन्होंने, और बहुत से ऐसे मतलब कार्य किए थे इन्होंने रामदेव बाबा ने राजस्थान के अंदर, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और विशेष तौर पर इनकी ये बात है कि इनको सभी धर्म के लोग मानते हैं। ये जातिवाद के खिलाफ भी रहे थे कि जो नीचे जात जो नीचे कास्ट की है वो डालीबाई है, तो डालीबाई को उन्होंने सिस्टर बनाया था। और ये सभी के घरों में जाते थे, जागरण करते थे, वहाँ पे भजन कीर्तन करते थे। इसलिए राजस्थान में यह भी मान्यता है कि इनका जो जागरण होता है, जो भजन कीर्तन होता है, वो जो नीचे वाली जात वाले जो लोग होते हैं, जिनको अपने मतलब बोलते हैं समाज में शूद्र लोग बोलते हैं, उन्हीं जब वो ही मतलब गायन करेंगे तभी रामदेव बाबा स्वीकार करते हैं। और ये विशेष तौर पर इनकी मान्यता रही है राजस्थान के अंदर। और इनको मुसलमान जो होता है वो भी मानता है, क्योंकि ये पीर के पीरों के मतलब कहा जाता है, पीर को पीर मतलब पीरों के पीर है, ये पीरों की पीर है। हाँ रामदेव बाबा, तो इसलिए सभी मतलब धर्म के लोग इनको मान सकते हैं, वो नहीं है कि हिंदू ही धर्म माने इनको, सारे धर्म इनको स्वीकार कर सकते हैं। जय श्री रामदेव बाबा।
बहुत बहुत धन्यवाद तखे कले जी मैं बहुत भल कथा कले मैं कर्म कथ ना सब सको धर्म मानु मानव पे आबे बाबा रामदेव मंदिर और सर सुरा जानकारी ललो लगे बहुत बहुत धन्यवाद दी धन्यवाद ये मंदिर भगत जिमान बोलो वालत देखी से छवि अंका से अपना मैं देखाल भिडिओ गोटेबी छवि जीवन चरित्र मिल थका चरित्र छवि अंकन करा वालबिल गोटेबा वालत और ऊपर मंडली तो देखी से यो गोटेबा जीवन चरित्र कथाबी इतना छवि आकार देखा दिया देखी से तो भर भाग अपने देखल तो बोलो अक बात देखा ये मंदिर तो जो आपको चाहे राति तो बाहर भाग चाव बोलो राति के लगे दृश्य तो सर मंदिर पर ऊला श्रीजेदी नामी अपनी ये चाले एटा दृश्य देखिबो साइड पर सब मंदिर किमान धुनिया लगे और ऊपर से जोटो लगत किमान धुनिया मेक्स कर सबसुन विराट चाहिए मंदिर धुनिया मंदिर आहिबो केतिया आपोनालोक देखिसे किमान सुंदर तो एतु आसले भिडियो मैं आगत एटा भिडियो दिसलु इयार ऊपर तो हेतु भिडियो आपोनालोक सब पारे आजि आहिलु कारणे एटा भिडियो भाबिलो आजिओ तक दी दूँ तो हेतु कारणे आजिओ एटा भिडियो दी दिसु साबो आपोनालोके आरु जदि भाल पाए तक कमेन्ट कर जाबो तो राखिसु बाय बाय एन्जॉय आहोम।